हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वर्चुअल तरीके से हाल ही में 20 अगस्त को सोमनाथ वॉकवे का उद्घाटन किया है और 28 अगस्त से आम जनता के लिए खुला है। तकरीबन 45 करोड़ की लागत से बना ये 1.5 किलोमीटर का वॉकवे समंदर की तह से 10 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। मरीन ड्राइव की फील करवाता ये वॉकवे सागर दर्शन धाम से लेकर त्रिवेणी संगम के भंडार तक बनाया गया है। इस वॉकवे में आपको मिलेंगे दो एंट्री गेट। एंट्री के लिए टिकट दर है 5 रुपये का। अगर आपके साथ 10 साल से नीचे की उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। वॉकवे की दीवारों के दोनों साइड आपको देखने मिलेंगे अद्भुत चित्र। बच्चों के मनोरंजन के लिए सोमनाथ वॉकवे पे स्ट्रीट गेम्स भी बनाई गई हैं। सोमनाथ वॉकवे पे यात्रीगण साइकिलिंग भी कर सकते हैं। सागर दर्शन धाम सोमनाथ में इकलौता ऐसा होटल है जिसके सभी रूमों में से आपको सोमनाथ महादेव और समंदर की लहरों का लुत्फ उठा सकते हैं। आप अगर सोमनाथ मंदिर आना चाहते हैं और उलझन में हैं कैसे जाएं, कहां रुके और घूमने की जगहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने प्रॉपरली एक वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पे जाके भी उसको देख सकते हैं। अगर आप सोमनाथ टेंपल से डायरेक्ट ही द्वारकाधीश टेंपल द्वारका जाना चाहते हैं तो आपको सोमनाथ से ही रात को 22:50 को सोमनाथ ओखा ट्रेन मिल जाएगी जो आपको सुबह 7 बजे छोड़ेगी। द्वारका में घूमने की जगहों के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में उसकी भी लिंक मैंने दे दी है, आप वहां से जाके भी उसको देख सकते हैं। एक तरफ सोमनाथ महादेव और एक तरफ समंदर की लहरों से उठते हुए ठंडे हवा के झोंके आपको यहां घंटों तक बैठने पर मजबूर कर देंगे। आप अगर मुंबई मरीन ड्राइव पर गए हैं तो आपको पता चल ही गया होगा सोमनाथ वॉकवे बिल्कुल मरीन ड्राइव जैसा ही बनाया गया है।